सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने आज वीआईपी कल्चर दिखाते हुए मेडिकल टीम को अपने घर बुलाकर कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। वैक्सीनीकरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीआईपी कल्चर से दूरी की बात सभी मंचों से कहते हुए आए हैं। उन्होंने भी अस्पताल में जाकर वैक्सीन लगवाई, मगर संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का वीआईपी ट्रीटमेंट कल्चर जारी है। बताते चलें कि सांसद ने पहली डोज भी अपने घर में लगवाई थी, हालांकि दूसरी डोज लगवाने के बाद उन्होंने वैक्सीन को गैर सियासी करार दिया। कहा कि सभी को वैक्सीन जरूरी है, उन्होंने वैक्सीन को क्लीन चिट भी दे दी है। लेकिन आपको बताते चलें कि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पहले वैक्सीन पर सवाल उठाए थे। आज आपने एक बार फिर से वैक्सीन लगवाई है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? अच्छा महसूस कर रहा हूँ, पहले लगी थी जब भी मुझे कोई बुखार आया या कोई परेशानी हुई, और अब भी कोई परेशानी नहीं है। बहरहाल आप हजरात आए, सारे लगाने वाले डॉक्टर साहिबान ये आए, बहरहाल मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा ये मैसेज है कि हर आदमी को लगवानी चाहिए, इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। इसे गुड मैसेज। अच्छा डॉक्टर साहब, भारत के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई है, तो उसमें आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ये तो उनका मामला है, सारे इंसानों का मामला है, ये कोई सियासत का मामला नहीं है, ये हेल्थ से जुड़ा हुआ है। भारत इसमें हर आदमी की तंदुरुस्त रहने की ज़रूरत है, और जहाँ तक कोरोना वायरस का ताल्लुक है, और उस वजह से ये सारी दुनिया में, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में इस सिलसिले में वैक्सीन लगी, और हिंदुस्तान के लोगों ने भी लगवाई, लगवा रहे हैं। मैंने भी दूसरी, एक पहले लग चुकी थी, एक अब लगवा दी। बहरहाल मैं तो इसमें मुझे कोई इसमें ना कोई ऑब्जेक्शन पहले था ना